महाराष्ट्र की जो 3 दिन की कथा थी मुंबई की, जब वो कथा लेने आए भैया विक्रम जी, तो उस समय हमें समय नहीं था, पर उन्होंने कहा कि गौ माता का सम्मान आपके मंच में और आपके सामने होगा, तो मैंने कहा फिर तो चलना आवश्यक है। और हमने वो 3 दिन का समय निकाल कर वहाँ जाकर वहाँ लोगों को भगवान की कथा सुनाकर कुछ प्रेरणा दी, समाज के लिए अच्छी बातें हुई। और यदि मेरे प्रयास से, आपके प्रयास से, हमारी और आपकी मेहनत से, अब जानते हो महाराष्ट्र में जितने कत्ल खाने हैं गाय के, बूचड़ खाने, उन सबका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और अब वहाँ कोई गाय लीगल तरीके से काट नहीं सकता, तो हमारी और आपकी मेहनत देर सवेर रंग तो लाती है ना। मैं सोता रहता, गौ भक्त सोते रहते, गाय के लिए आवाज ना उठाते, तो आज गाय को ये सम्मान ना मिलता। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहिए, सफलताएं कब मिलेंगी ईश्वर तय करेंगे, पर प्रयास तो करो। क्या आपने प्रयास किए हैं? आज जो लोग कहते हैं जी हम कामयाब नहीं हो पाए, सफलताएं नहीं मिली, लंबा, आपको पता है देश आजाद हुए आज लगभग 77 वर्ष हो गए है ना। उस आजादी के बाद पहला आंदोलन गौ माता के लिए स्वामी श्री करपात्री जी ने किया था, लगभग आज से 60-65 वर्ष पहले, 60-65 साल पहले। और स्वामी श्री करपात्री जी उस आंदोलन में गए, तो उस समय की वर्तमान सरकार ने स्वामी करपात्री जी और संतों को और गाय के ऊपर गोली चलवा दी थी। ये उस समय का आंदोलन है। उस सोचिए 60 साल पहले जो यात्रा शुरू हुई, अब जाके कुछ पूरा होने में दिख रहा है। 60 साल की मेहनत हमारे ऋषियों की, संतों की, गौ भक्तों की, कोई आज ही हुआ ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी यात्रा है, कठिन परिश्रम है। इसलिए कहते हैं कि पसीना बहाओ, सफलताओं की गूंज सबको दिखती है, सफलता के पीछे जो संघर्ष है वो नज़र नहीं आता, इसलिए संघर्ष जरूरी है। आज के लोग वो संघर्ष से डर जाते हैं, साथ नहीं दे पाते, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, देखो जैसे गौ माता के लिए ये दास अनिरुद्ध दौड़ता है, ऐसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी आप इतनी मेहनत और इतना काम क्यों करते हो, सोते भी नहीं हो, काम करते हो। मैंने कहा कि क्या करें, आपका परिवार 5 लोगों का, 10 लोगों का है, तो 10 लोगों के परिवार के लिए आप 10 घंटे काम करते हो। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग या 10 लोग, पत्नी, बच्चे, माता पिता, बस भाई बहन, अधिक से अधिक 10 लोगों का, वरना 6 लोगों का, 7 लोगों का परिवार, 4-5 लोगों का परिवार होता है सबका। जब आपका 6-7 लोगों का परिवार है और आप 10 घंटे काम करते हैं, नहीं करते, सुबह आप 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 4-5 बजे तक आप ऑफिस में रह के काम करते हैं, सवेरे 8 बजे निकल जाते हैं दुकान खोलने, रात के 9 बजे तक आप दुकान में रहते हैं, आप में से बहुत लोग 10 घंटे काम करते हैं, आप में से बहुत लोग 12 घंटे काम करते हैं, आप में से बहुत लोग 8 घंटे काम करते हैं, तब जाके आपका परिवार का गुजारा होता है। माँ की दवाई आती है, बच्चों का खिलौना आता है, रोटी आती है, कपड़े आते हैं। 8 लोगों के परिवार के लिए आप 10-10 घंटे काम करते हैं, तो सोचिए ये दास अनिरुद्ध की तो 285 वृद्ध माताएं हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, हमारे तो 150 बच्चों का परिवार है,
150 बच्चे हैं, जो बच्चे जिनके माँ बाप गरीब हैं वो सभी बच्चे यहाँ गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ते हैं। वृद्ध माताओं को जिनके अपने बच्चों ने निकाल दिया वो सभी वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं। अखंड रसोई चल रही है। फुटपाथ पर सोने वाले साधुओं को गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। आपका परिवार छोटा सा है, हमारा परिवार इतना बड़ा है। तो जब आप 8 घंटे काम करते हैं 6 लोगों के लिए, तो मुझे कितने घंटे काम करना चाहिए? तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। मेरा परिवार बड़ा है, आप सब मेरा ही परिवार हैं। भारत की प्रत्येक माँ मेरी माँ है, प्रत्येक माँ मुझे अपना पुत्र कहती है, पुत्र मानती है। भारत की ऐसी कोई माँ ना होगी जो कथा सुनती हो और मुझे अपना बेटा ना मानती हो, चाहे वो भारत के पूर्व हिस्सा की हो, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। प्रत्येक आपकी जितनी आपके घर में आपकी भी जो माँ है ना, वो भी मुझे अपना बेटा मानती है। यदि आप 2 भाई हो तो वो तीसरा मुझे मान लेती है, 3 हो तो चौथा मुझे मान लेती है, और 1 हो तो दूसरा मुझे मान लेती है। आप में से कितनों की मैया मुझे अपना बेटा मानती है? कथा सुनती हैं तो वो अवश्य मुझे पुत्र भाव से देखती हैं। देखिए मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रत्येक भारत के प्रत्येक घर की एक बूढ़ी माँ, जो एक माँ है, वो मुझे अपने बेटे के रूप से देखती है, बेटे के भाव में देखती है। यही मेरा धन है। कोई मेरे से पूछे कि आपकी संपत्ति क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी दौलत, मेरी संपत्ति, मेरा धन यही है कि मुझे भारत के प्रत्येक घर से, मुझे उस घर में एक बेटे का अधिकार मिला हुआ है। एक माँ ने मुझे पुत्र कहकर, एक बहन मुझे भाई कहकर बुलाती है। घर घर में, हर दिल में मैं रहता हूँ, यही तो मेरी दौलत है।